मैं आपको स्पेशल बताने जा रहा हूँ कि आप अगर बहरीन में मुल्क हैं, सऊदी में हैं, दुबई में हैं, बहरीन में हैं, कतर में हैं, कहीं में भी हैं, आप टिकट बुकिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टिकट बुकिंग नहीं करते उसको कि उसके लिए वीज़ा कार्ड होना लाजमी है। अगर आपके पास वीज़ा कार्ड नहीं है या आपको इतनी मालूमात नहीं है कंप्यूटर के बारे से, तो एटलीस्ट आप अच्छे रेट ढूंढ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे देख सकते हैं कि आपको कौन सी एयरलाइन पे कम है और उसकी जो फीस वगैरह है उसके चार्ज वगैरह वो कितने हैं। इसमें दोस्तों ये आपको एक ही फ़ायदा होगा कि अगर आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं भी करते तो आपको एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि उसके प्राइस वगैरह क्या है, आने जाने का क्या है, जाने का क्या है। स्पेशली जो लोग ईद पे जाते हैं अपने घरों के घरों को मुल्क से जहाँ पाकिस्तान जाते हैं, तो उनको ये बड़ा मसला होता है। जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, जो ट्रैवल एजेंट होते हैं, वो लोगों से काफ़ी एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। तो मैंने ये मेरा ऐसे इतफाक़ हुआ है कि मैंने काफ़ी दफ़ा जब भी मैंने ये टिकटिंग वगैरह की हुई है, ऑनलाइन भी चेक की हुई है, कभी तो मैंने वो ऑनलाइन पर परचेज करा तो, और उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि लास्ट टाइम अगर आपको मतलब नहीं जा रहे, किसी वजह से मिस हो रही है, तो टिकट रिफंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, आपको ऑफिस जाना पड़ता है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप डायरेक्ट एजेंसी वगैरह पर जाते हैं तो वो आपको यानी 50,000 या मेरे मोस्टली से 50,000 एक्सपायर होते हैं जो आपको ऑनलाइन रेट मिल रहा होता है। तो उसमें ये होता है कि आपके रिफंडेबल जो पैसे हैं वो आपको इजीली मिल जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको उसी टिकट जिस टिकट कौन सी टिकट आपने परचेज़ की है उसके हेड ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मोस्टली हेड ऑफिस काफ़ी कुछ लोगों के तो करीब होते हैं, हमारे मोस्टली दूर होते हैं, तो टैक्सी पे आना जाना काफ़ी यहाँ पे उसके एक्स्ट्रा चार्जेज पड़ जाते हैं। तो बेहतर ये है कि जब आप चेक कर लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सी एयरलाइन पे क्या चल रहा है। तो अभी मैं आपको जो चेक करना बताने जा रहा हूँ, तो अभी मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करूँगा और आपको उस पर लाइव में दिखाऊँगा कि टिकट कैसे चेक करते हैं, उसकी प्राइस क्या है। तो इन्हें आपको ये सारा ये आइडिया हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये अभी हमने ऊपर सर्च बार में लिखा हुआ है गूगल के रियाज टू लाहौर, तो इसमें ये यानी पहले जो स्टार्ट में ये एड लगी हुई हैं यानी मतलब वेबसाइट की जो ऑनलाइन बुकिंग करती हैं, तो इसमें नीचे ये भी आ रहा है, कुछ थोड़ी सी डिटेल दे रहा है कि ये इस पर ये रेट चल रही हैं ये हेडर में, और ये सारा उसका कितने किलोमीटर है, ये सारी चीज़ें दे रहा है। तो आइए इसमें हम ये बुकिंग डॉट फ्लाइनास की जो है ना हम चेक करते हैं। आगे नई विंडो खुली, हाँ तो इसमें ये अभी क्योंकि ईद के दिन चल रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा रेट काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, काफ़ी सारे टिकट तो वैसे ही नहीं है। तो हम एक दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं। ये दोस्तों ये वेबसाइट ऐसी है कि इसमें डिफरेंट यानी एयरलाइन की आपको मिल सकती हैं, जैसे ये ऊपर आ रहा है कि आप रियाद से जाना चाह रहे हैं, ये वन वे है, तो हम इसको यहाँ पे डेट देते हैं, यानी हम फागे में 14 को दे देते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं, जी हाँ दोस्तों इसमें ये देखें कि एयर अरेबिया की सबसे टॉप पे आ रही है, इसमें एक 592 है और एक 634 है, और इस यानी एयर अरेबिया की मोस्टली फ़्लाइट सस्ती हैं, ये वाया है शारजा में। तो इसमें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं किसका डिले सॉरी स्टे कितना है, तो इसमें आपको ये अंदाज़ा भी हो जाएगा कि ये कितनी देर के लिए रुक रहा है, वहाँ पे रुक रही है। तो यहाँ पे ये उन्होंने हैंड कैरी भी दिया हुआ कितना है,
और ये आप उससे वहाँ से डिटेल ले सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने टाइम दिया हुआ है कि ये 3:55 पे रियाज से जा रही है और आगे यानी ये तकरीबन आलमोस्ट 3 घंटे स्टे बन रहा है, नहीं सॉरी ये 3 घंटे की ड्राइव है, फ्लाइट है। तो ये वहाँ पे पहुँचेगी 6 बजे 6:45 पे और आगे 9:15 पे वहाँ पे रवाना होगी। तो ये वहाँ पे काफ़ी सारी हैं। उसके बाद फ्लाई नास है, फ्लाई नास जो मिनिमम है वो 800 उसमें जो फ्लाई नास है वो 868 है। तो एमरेट्स है वो 950 है। तो इस तरीके से ये सारे डिफरेंट हैं। ये फ्लाई दुबई है तो इस तरीके से आपको सारे उसमें मिल जा सकती हैं। तो ये होगा कि आपको आपके पास एक डिटेल आ गई कि कौन सी एयरलाइन कितने में जा रही है। ये डिफरेंट है, ये 7551 जो टॉप रेट है, जो बिजनेस क्लास है। तो इसमें जो सबसे कम है वो 592 है, वो अरेबिया है। तो इस तरीके से आप जहाँ पे जाना चाह रहे हैं उसको उसका नाम देते, जिस जगह से जा रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। इसके अलावा ये साथ में एयरलाइन आ रही हैं, इसमें उन्होंने दिया हुआ है कि ये अरेबिया का कहाँ से तक जा रहा है, एमरेट्स कौन सी जा रही है। तो इस सारी एयरलाइन का दिया हुआ है उन्होंने। तो इसमें उम्मीद है कि आपको काफ़ी मालूमात मिली होगी। तो मज़ीद अगर आप एयर टिकटिंग के हवाले से जानना चाह रहे हैं, अभी देखिए यहाँ पे जैसे बुकिंग है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। तो बुकिंग में ये आ गया, एड बैग वगैरह जो भी आप करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपको अपने कार्ड का नंबर देना होगा और बाद में अप्लाई करना होगा। तो बाकी ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो वो बुकिंग के लिए ज़रूरी होंगी। तो ये देखिए इसमें यहाँ पे ये शो कर रहा है कि 30 kg का बैग है और हैंड कैरी जो 7 kg का है। तो इसमें सारी चीज़ डिटेल आ गई है यहाँ पे आप करके। तो इसमें आपके कार्ड का नंबर एंटर करें और यहाँ पे अप्लाई कर दें। तो उसमें कुछ आपको बाहर टैक्स वगैरह आ जाएंगे किस तरीके से, तो वो कर देगा। मगर अगर आप यहाँ पे बुकिंग नहीं भी करते तो एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि जिस एयरलाइन पे आप जाना चाह रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप इस पर अरेबिया पे जाएं। अगर आपको ये अच्छी नहीं लगती या स्टे नहीं है चाहते तो आप दूसरी एयरलाइन भी ले सकते हैं। तो इसमें यही है, आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी एयरलाइन पे कम है। तो उसका एक दूसरा तरीका ये भी होता है कि अगर आप इस ये एक थर्ड वेब है जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो जैसे आपको ये पता चल गया कि अरेबिया 592 उसकी मिनिमम है, तो आप इसकी जो साइड है एयर अरेबिया की वो डायरेक्ट उसका लिंक ओपन करके तो उसमें भी आप बुकिंग चेक कर सकते हैं। तो इससे आपको ये यानी एटलीस्ट ये सब पता चल जाएगा कि हाँ इसका रेट क्या चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, उम्मीद है कि आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसके अलावा अगर आप मज़ीद कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको जो भाई बैरून मुल्क रह रहे हैं तो पाकिस्तान में जाने में प्रॉब्लम हो, इस तरह की चीज़ जो आपकी परेशानी के बायस बन रही हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में कीजिएगा। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको उसका हल ढूंढ के तो उसके बारे में वीडियो बना के दूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ मुझे आप इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।